हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी बढ़ालिया एंड वेलकम टू एसवी एकेडमी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कॉन्सेप्ट या टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एमओटी की पोस्टुलेट्स क्या होती है, लास्ट टू लास्ट वीडियो लेक्चर में ये देखा था। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्या बताती है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पर बेस्ड होती है, कैसे ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड अराइज करते हैं, किस तरीके से एटम जुड़ के जब मॉलिक्यूल बनाते हैं, इन द सेम वे एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी आपस में मर्ज होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फॉर्म करते हैं। दो तरीके से वो मर्ज हो सकते हैं, जिसे हम वेव मैकेनिक्स की कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं। हम एटॉमिक ऑर्बिटल को ऐसा मान के चलते हैं कि वो हमारा वेव फंक्शन है, और जब दो वेव फंक्शंस यानी कि दो वेव्स को हम कंबाइन करते हैं, अगर सेम फेजेस में वो ऐड होता है तो वो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अराइज करता है, और अगर हमारे फेजेस डिफरेंट रहते हैं तो वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अराइज करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। आज हम लोग मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है अभी तक के कॉन्सेप्ट्स में जो हमने पढ़ा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मुझे लगेगा कि कोई ऐसी चीज़ है, जो कोई भी ऐसा पॉइंट है या कोई भी ऐसी बात है जो मैंने वीडियो लेक्चर में नहीं एक्सप्लेन की है, तो डेफिनेटली मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी और कमेंट में रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे इजीएस्ट मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं पीछे का एक बार रिवाइज भी करा देती हूँ साथ साथ इसी एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, अगर हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनना है तो हाइड्रोजन दो एटम जो हाइड्रोजन के होते हैं, डेफिनेटली वो आपस में जुड़ेंगे और मॉलिक्यूल को अराइज करेंगे। क्लियर है इतनी बात। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसकी कॉन्फिग्रेशन होती है 1s1, ठीक है। हमारे पास दो हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो 1s के ऑर्बिटल हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे, देखिए मैंने यहां पर लिख दिया एक हाइड्रोजन एटम और यहां पर मैंने लिख दिया दूसरा हाइड्रोजन एटम। ये मेरे एक हाइड्रोजन एटम का 1s है और ये मेरे दूसरे हाइड्रोजन एटम का 1s है। दो पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसा हो सकता है कि इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट के साथ मर्ज हो, इसका ट्रफ इसके ट्रफ के साथ मर्ज हो, ओवरलैप करे और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अराइज करें। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसका क्रस्ट जो है वो इसके ट्रफ पे ओवरलैप करे और ये क्या दे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, इट मीन्स ये क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो हम यहां पर एक बनाते हैं बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर इनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, अलग अलग फेजेस आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, तो ये बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको मैं ऐसे बना रही, ठीक है। ये मेरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये मेरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन का क्या है 1s, इस हाइड्रोजन का भी क्या है 1s। s और s जब भी आपस में मर्ज होते हैं, तो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि s कभी भी पाई नहीं बनाता, s हमेशा क्या बनाता है, s ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है, मैं लिखूंगी सिग्मा 1s सिग्मा 1s। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा कंस्ट्रक्टिव ही हो रही है, एक बार होता है कि डिस्ट्रक्टिव हो और इस तरीके से इनका जो ऑर्बिटल है वो फूल जाता है, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को जितना भी पोर्शन या रीजन ओवरलैप करता है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं और इस तरीके से ये बनाते हैं, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग, और बीच में क्या आ जाता है, नोड। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्टार से।
1s क्यों लिखा? क्योंकि s ऑर्बिटल मर्ज हुए, 1s, ठीक है, 1s ही था हाइड्रोजन का। सिग्मा क्यों लिखा? क्योंकि हमारा s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक बनाएगा बॉन्डिंग का, एक बनाएगा एंटी बॉन्डिंग का। बॉन्डिंग वाले को बिना स्टार से दिखाते हैं, एंटी बॉन्डिंग को स्टार लगा के दिखाते हैं। क्लियर है? उसके बाद इसके 1s में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके 1s में भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने लिख दिया। जब भी ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल फिल किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, तो हम हमेशा यहाँ पर तीन रूल फॉलो करते हैं। अफबाउ प्रिंसिपल, जो क्या कहता है कि लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरो, उसके बाद हाइयर में भरो, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, सॉरी लेफ्ट टू राइट कह रही हूँ, ऊपर से नीचे, जैसे हम डाउन, ठीक है, बॉटम से अगर हम अप जा रहे हैं, डाउन और अप जा रहे हैं, तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है। तो इस तरीके से एनर्जी बढ़ रही है, इट मीन्स इसकी लोअर एनर्जी है। बॉन्डिंग वाले की हमेशा लोअर एनर्जी होती है, एंटी बॉन्डिंग वाले की हमेशा हाइयर एनर्जी होती है। तो अफबाउ प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि हमेशा लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरिए, आफ्टर दैट अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप धीरे धीरे हाइयर एनर्जी वालों में भरना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज ने क्या कहा था कि एक ऑर्बिटल, ये जो एक डब्बा हमने बनाया है, ये हमारा ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो पॉली था उसने क्या कहा था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो दोनों अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कह रही हूं मैं, ऑर्बिटल खाली भी रह सकता है, ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ऑर्बिटल में दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं। आप इसे ऐसे नहीं भर सकते, ठीक है, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। एरो हमारा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा जाता है जो कि स्पिन दर्शा रहा होता है। फिर उसके बाद आप इसे ऐसे भी नहीं भर सकते। पॉली ने क्या कहा था, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एंड दैट शुड ऑल्सो बी ऑफ अपोजिट स्पिन्स, मतलब कि उनके अपोजिट स्पिन रहेंगे, एक ऊपर एक नीचे। आप ना तो ऐसे दिखा सकते हैं और ना आप ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे भी नहीं दिखाना, ठीक है। आप बहुत क्या कहा, लोअर एनर्जी में पहले भरिए, उसके बाद हाइयर एनर्जी वाले में भरिए। पॉली ने क्या कहा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, कम हो सकते हैं दो से, पर दो से ज्यादा नहीं होंगे और वो दो भी अपोजिट स्पिन के होंगे। तीसरा होता है हमारा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ने क्या कहा था कि कोई ऑर्बिटल अगर सेम एनर्जी का है, लाइक जैसे अगर पी सबशेल की मैं बात करूं, तो पी सबशेल में मान लो हमारे पास है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ठीक है, तो इनकी एनर्जी आपस में सेम है। तो हुन्स ने ये कहा था कि पहले सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो, फालतू है तो पेयरिंग करा दो, कम है पहले पेयरिंग नहीं करानी, पहले हर ऑर्बिटल को सिंगली ऑक्यूपाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तीन इलेक्ट्रॉन है तो मैं उनको ऐसे भरूंगी, मैं तीन इलेक्ट्रॉन को ऐसे नहीं भर सकती, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो हुन्स ने क्या कहा था, आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, पहले आप हर ऑर्बिटल को जो कि सेम एनर्जी का है उनको सिंगल सिंगल भर दो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है पेयरिंग करा दो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है शांति से बैठ जाओ, जितने भरे जा रहे हैं भर दो, ठीक है। चलिए ये तीन रूल हम लोग फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, टोटल को ऐड कर दो, 1+1 कितना हो गया, 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को भरेंगे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन। यहाँ नहीं जाना है, यहाँ पे नहीं जाएंगे, पहले हम लोअर को भरेंगे, लोअर में भरने के बाद अगर तीन होते तो फिर मैं यहाँ पर भरती, ठीक है। मैं इसी में ही थोड़ा सा चेंज करूंगी, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर इसी में मैं इसके आयंस को भी डिस्कस करती हूँ, ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसी में आपको दो तीन बातें बता दूं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना। कैसे लिखा जाता है मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर हम एटम के रिस्पेक्ट में बात करें तो जब हम किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो कैसे लिखी जाती थी, वो लिखी जाती थी 1s, 2s, 2p, 3s, 3p,
4S, इस तरीके से 3D, ये चलती रहती है ना। अगर हम मॉलिक्यूल के लिए लिखते हैं तो मॉलिक्यूल के लिए देखिए कैसे लिखी जाती है। अब सबसे पहले 1s की बात करेंगे तो 1s दो तरीके से मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना सकता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, 1s के लिए हम लिखेंगे सिग्मा 1s, फिर इसी के लिए क्या लिखा जाएगा, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। 2s के लिए क्या लिखेंगे, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, समझ पा रहे हो। फिर 2p की बात करते हैं। अब 2p जो है, 2p तीन तरीके से स्प्लिट होता है, कैसे, 2px, 2py और 2pz। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो 2pz है, 2pz कैसा बॉन्ड बनाता है, हेड टू हेड, तो यानी कि 2pz के क्या रहेंगे, कैसा बनेगा, सिग्मा। तो 2pz में क्या बनेगा, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, समझ में आया। जब हमने x और y की बात की थी तो मैंने आपको क्या बताया था, x और y कैसे करते हैं, साइड वाइज ओवरलैप, है ना। तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं पाई। तो इसके क्या बनेंगे, इसके बनेंगे पाई 2px बॉन्डिंग का, पाई स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग का, पाई 2py बॉन्डिंग का, पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग का, समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आगे चलती रहती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं पी वाले को अभी इसलिए इंक्लूड नहीं कर रही क्योंकि मैंने अभी ना पी के एमओ बनाने स्टार्ट नहीं किए, मैं अभी एसएस के ही बना रही हूँ। जब पी वाला आएगा तो वहाँ पे दो केसेस अराइज हो जाते हैं, तो उस केसेस के दौरान ही मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको बता दूंगी। अभी हम सिर्फ 1s पे ही सीमित हैं, तो पहले इसी की कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एकदम से नहीं भागेंगे, नहीं तो खिचड़ी सी बन जाएगी। जितना आप धीरे धीरे चलोगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलोगे, आपके लिए समझना उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। मेरे लिए, मुझे तो आती है ना, मैं क्या करूँगी समझ के। अच्छा, फिर उसके बाद जोक था ये। सिग्मा की बात करते हैं, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो H2 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी, सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन आए तो हम इसे लिखेंगे सिग्मा 1s और ऊपर लिख दिया 2। ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ बुक्स में ऐसे भी होता है कि ब्रैकेट के अंदर सिग्मा 1s लिख के और फिर इसके बाद ऊपर लिख देते हैं 2। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे लिखिए, बोथ आर करेक्ट। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं हम मैग्नेटिक बिहेवियर पे। मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो दो तरीके से देखा जाता है। एक होता है पैरामैग्नेटिक और दूसरा होता है डायामैग्नेटिक। अगर एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो वो कहलाएगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक उसे कहेंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा अकेला, ठीक है। डायामैग्नेटिक उसमें उसको कहेंगे जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हों, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, ठीक है। तो अब देखिए, हमें इसको देखना है क्योंकि हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब हमें एटॉमिक ऑर्बिटल को नहीं देखना है, अब हमें एटम्स को नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, मॉलिक्यूल को देखना है। तो कि आपस में मर्ज होके जो बना रहे हैं, तो ये तो खाली है और जो भरा हुआ है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है और वो क्या है, पेयर्ड अप, है ना। जब पेयर की बात करते, पेयर मतलब जोड़ा, यानी कि दो चीजें। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आ गए, ये पेयर्ड अप है, तो जो हमारा H2 है वो बाय नेचर क्या हो गया, वो हमारा हो गया डायामैग्नेटिक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक बिहेवियर में, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज आती है बॉन्ड ऑर्डर निकालना, जो कि बेहद आसान है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको काउंट कर लो कितने हैं, और उसके बाद माइनस में एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन स्टार वाले काउंट कर लो कितने हैं, ठीक, और डिवाइड बाय कर दो 2। तो यहां पर देखो, बॉन्डिंग वाले यानी कि बिना स्टार, ऐसे याद कर लो, बी से बॉन्डिंग, बी से बिना स्टार। तो बिना स्टार वाले, बॉन्डिंग वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और एंटी बॉन्डिंग यानी कि स्टार वाले में
एंटी बॉन्डिंग को ऐसे याद कर लो, ए से एंटी, ए से एस्टरिस्क, एस्टरिस्क बोलते हैं ना हम इसको, ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, बी से बॉन्डिंग, बी से बिना स्टार वाले, ए से एंटी बॉन्डिंग, ए से एस्टरिस्क। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें है जीरो, तो टू माइनस जीरो बाई टू क्या आ गया, जीरो, ठीक है, सॉरी टू माइनस जीरो ये कितना हो गया, टू, कहेंगे मैडम क्या गुना भाग भूल गई, वैसे घटा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, टू माइनस जीरो डिवाइड बाय टू, तो दो में से जीरो गया, दो बचा, और फिर उसके बाद टू डिवाइडेड बाय टू कितना आ गया, वन, तो बॉन्ड ऑर्डर वन आ गया। इसका मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर वन आने का मतलब, आपने अगर कभी ध्यान दिया हो तो H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जिनका जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, कोई रेजोनेंस नहीं होता, अगर बॉन्ड ऑर्डर वन आ गया है इट मींस उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, या आप इसे उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर वन है। अगर किसी एटम के बीच में, जैसे O2 है, O2 के बीच में अगर सपोज आप निकालना चाह रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर, तो O के साथ क्या बनाता है, डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, टू, N ट्रिपल बॉन्ड N, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, थ्री। पर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, हम सिर्फ देख के क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास आयन्स भी होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल भी आयन की फॉर्म में होता है, O2 प्लस पूछ लिया, O2 माइनस पूछ लिया, O2 टू माइनस पूछ लिया, तो आपको निकालने की नीड पड़ेगी। फिर प्लस में कुछ कई बार बॉन्ड ऑर्डर जो है वो पॉइंट्स में भी आता है, कोई बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो रेजोनेंस भी शो करते हैं, तो ऐसा फिक्स नहीं है कि आपका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 1, 2, 3 आएगा, कभी पॉइंट में नहीं आ सकता, पॉइंट में भी आ सकता है, 1.5 आ सकता है, 2.5 आ सकता है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा वो क्या बोलते हैं चान पत्ती नहीं दिखानी है, ठीक है, मजाक था, आपको मतलब ज़्यादा वो नहीं करना है, क्योंकि आप जस्ट बिगनर्स हो अभी के लिए फिलहाल, तो आप कैलकुलेट कर देखिए, निकाल कर देखिए कि क्या आ रहा है, ठीक है, जब उसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसे निकलता है, उसके बाद देखते ही बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसी को चेंज कर रही हूँ, अब मान लीजिए मुझे H2 का निकाल के H2 प्लस का निकालना है, तो H2 प्लस हम किसको कहते हैं, H2 प्लस का मतलब क्या है, H2 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, प्लस का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रखा है, तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है तो दोनों में से कोई भी एक एटम होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है, तो मेरी इच्छा मैं यहां से गायब करूं या यहां से गायब करूं, तो मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, एक ही, ठीक है। अगर मैं H2 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिखी जाएगी, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो लिखा जाएगा सिग्मा 1s, ठीक है। अगर मैं पूछूँ कि ये पैरा है कि डाया है, अब यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, पैरा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पैरा मैग्नेटिक। और अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूं तो क्या करूंगी, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, वन, और माइनस का जीरो, तो ये क्या आ गया आपका, हाफ आ गया, यानी कि 0.5 आ गया, तो यहां पे जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है वो रहेगा 0.5, और हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पार्शियल बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, कंप्लीट सिंगल बॉन्ड यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हीलियम मॉलिक्यूल के बारे में। हीलियम मॉलिक्यूल ना एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए आप कभी भी देखना, बुक में भी अगर आप कभी नजर मारोगे तो लिखा होगा हाइपोथेटिकल, कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि अगर हीलियम मॉलिक्यूल बने तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आएगा, या उसका एमओ किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पर जो हीलियम मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। हीलियम नोबल गैस है, हालांकि ज़ीनॉन वगैरह जो हो गया वो ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन वगैरह के साथ फिर भी थोड़े बहुत कंपाउंड बना लेता है स्पेशल कंडीशंस पर, हाई टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, ठीक है। बट जो हीलियम है वो हीलियम के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इसलिए यहां पर क्या लिखा होता है, हाइपोथेटिकल हीलियम मॉलिक्यूल, ठीक है, इस पर आप खास ध्यान देना। तो हीलियम मॉलिक्यूल अगर सपोज कभी बन जाए हाइपोथेटिकली, तो HE2 यानी कि दो हीलियम के जुड़ने से बनेगा,
जाहिर सी बात है ना। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। तो कॉन्फिगरेशन क्या होती है? 1s2। ठीक है, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हीलियम है, अब सिंपल सी बात है 1s के अंदर है तो 1s यानी कि एक बनाएगा सिग्मा यानी कि बॉन्डिंग का और एक बनाएगा सिग्मा स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग का। 2 और 2 टोटल कितने हो गए? 4। तो कैसे भरा जाएगा ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस तरीके से भरा जाएगा। अगर मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखी जाएगी? सिग्मा 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। तो मैं लिखूंगी सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आए। सिग्मा स्टार 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए? इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आए, यानी कि सिग्मा स्टार 1s का 2। मैग्नेटिक बिहेवियर की अगर बात करें तो ये भी पेयर्ड है और ये भी पेयर्ड है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हैं, तो ये कैसा रहेगा? ये रहेगा डाया मैग्नेटिक। ठीक है, और अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूं तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए देखिए, बॉन्डिंग यानी कि बिना स्टार वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग यानी कि एस्टर रिस्क वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 0/2 यानी कि आपका आ गया 0। तो जाहिर सी बात है बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि हीलियम दूसरे हीलियम के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए, नोट करिए, फिर हम लोग इसी के ही आयन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हमें हीलियम मॉलिक्यूल आयन बनाना है, हीलियम 2 और ऊपर प्लस है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज, सॉरी 2 कह रही हूँ, 2 एटम्स में से कोई एक एटम ऐसा है जिसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है। ठीक है, तो आप कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन गायब कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया तो ये इस तरीके से आ गया, तो 2+1 कितना हो गया? 3। तो कैसे भरा जाएगा? 1, 2, 3, यहां से एक इलेक्ट्रॉन गायब। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी हीलियम 2+ की? तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आए और सिग्मा स्टार में 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो हम इसे ऐसे दिखाएंगे। अगर मैं पूछूं कि ये पेयर्ड अप है या अनपेयर्ड है, तो ये तो पेयर्ड है, बट यहाँ पर क्या आ गया, एक अनपेयर्ड, ऊपर से देखना है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड और मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, होमो जो है, वो क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? पैरा। तो ये कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालना चाहें तो बॉन्डिंग यानी कि बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग, इसमें क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से 1 गया, 1 बचा, और ये क्या हो गया? हाफ। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया हमारा? बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारा हाफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये आयन हुआ तो इनके बीच में पार्शियल बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने ऐसे मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स देखे जिनमें 1s आता था, अब हम लोग वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स देखेंगे जिसमें 2s आता है, फिर उसके बाद हम ऐसे मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स देखेंगे जिनमें 2p आएगा। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी हमने जो एग्जांपल्स डिस्कस किए उसमें 1s आता था, अब हम आगे एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, उन मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं जिनमें 2s आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे लिथियम मॉलिक्यूल के बारे में कि लिथियम मॉलिक्यूल जो है वो कैसे फॉर्म होता है। लिथियम मॉलिक्यूल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? Li2। तो Li2 कैसे बनेगा? 2 लिथियम के जुड़ने से। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है, जब भी कोई स्पीशीज आपस में रिएक्ट करती है, तो सिर्फ और सिर्फ उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो बॉन्ड पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व होते हैं। बॉन्ड में पार्टिसिपेट कौन करता है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 1।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, क्या लिखी जाएगी, 1s2 2s1, 1s में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 2s में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो मुझे खुद कॉमन सेंस लगा के बताओ, जब बॉन्ड बनाने में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे? आंसर है नहीं करेंगे। इसीलिए हमेशा ऐसे होता है कि जब भी हम 2s बनाते हैं तो हम 1s नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि जब बॉन्ड बनाने में 2s के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 1s को दिखाने की जरूरत ही क्या है, 1s की तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो हम क्यों 1s को दिखाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि बच्चे 1s का बनाते हैं और फिर 2s का बनाते हैं और फिर टीचर जो है वो कांटा लगा देता है, वो इसलिए क्योंकि 1s का बनाना ही नहीं है, वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको 1s का बना के दिखा रही हूँ, उसका रीज़न क्या है, मुझे आपको ना एक बात बतानी है। दो कई बार होता है कि बच्चे ना एक चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मुझे उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे 1s का बना रही हूँ अभी फिलहाल, पर आप 1s का नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर मैं 1s की बात करूँ तो 1s क्या बनाएगा, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो मैंने ऐसे दिखाया कि 1s था, ठीक है, थोड़ा ऊपर बनाते हैं, पहले मैं 2s ही बना देती हूँ, तो उससे थोड़ा सा स्पेस का आइडिया लग जाएगा कि हमको कितनी जगह चाहिए। टू एस सिग्मा स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। फिर मैं 1s का दिखा रही हूँ, यहाँ पे मुझे बस कुछ बात बतानी है इसलिए मैं 1s का बना रही हूँ, 1s का आपको बनाने की नीड नहीं है। ये हो गया सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, इस तरीके से मैंने बना दिया। ठीक है, अब देखो ये मैंने लिख दिया, इसकी जो एटॉमिक नंबर है 3 है, तो 1s2 2s1 और 1s2 2s1, ठीक है। अब देखिए इसके 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, इस लिथियम एटम के 2, इस लिथियम के 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक, 2 और 2 कितने हो गए, 4, तो मैंने भरा 1 2 3 4, 1s का कॉन्सेप्ट खत्म। 2s में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और इसके 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 1 और 1 2, मैंने भरा 1 2, ठीक है। अब देखो मैं ये कह रही हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी मैं ये कह रही हूँ कि जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते तो हम 1s को नहीं दिखाते, हम सिर्फ 2s को दिखाते हैं, क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो मुझसे कई बार बच्चे ना ये सवाल पूछते हैं कि मैम उससे फिर हमारा बॉन्ड ऑर्डर तो गलत आएगा। बॉन्ड ऑर्डर गलत नहीं आएगा, देखो जितने बॉन्डिंग में गए उतने ही तो एंटी बॉन्डिंग में गए, जितने इक्वल नंबर के बॉन्डिंग में गए उतने ही इक्वल नंबर के एंटी बॉन्डिंग में गए। सेम में से जब सेम नंबर के इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे, जीरो आएगा, तो वो क्या कर देगा, नलीफाई कर देगा इफेक्ट को। करके देखते हैं, जो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बॉन्डिंग वाले के इलेक्ट्रॉन माइनस में एंटी बॉन्डिंग वाले के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिवाइड बाय 2। करके देखते हैं, बॉन्डिंग मतलब बिना स्टार वाले 2 4, ठीक है, मैंने लिख दिया 4 माइनस, एंटी बॉन्डिंग एस्टर रिस्क वाले कितने हैं, 2, डिवाइड बाय 2, कितना आया, 4 में से 2 गए 2, कितना आ गया, 1। मान लो मैं ये बनाती ही नहीं, जो कि बनाना होता भी नहीं है, मैंने तो बस ये चीज समझाने के लिए इसको बनाया, ये बनाना भी नहीं है, ठीक है। अब मैं सीधा यहीं से निकाल रही हूँ, मैं कह रही हूँ बॉन्डिंग के देख रही हूँ मैं, बॉन्डिंग यानी कि बिना स्टार वाले कितने हैं, ये है 2, एंटी बॉन्डिंग एस्टर रिस्क वाले में कितने हैं, 0, डिवाइड बाय 2, क्या आया, 1। तो आप अगर इसको इग्नोर कर भी देते हो ना, तब भी आपका बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा, आप इसे बना भी देते हो तब भी आपका बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा,
इसे बनाने की जरूरत नहीं होती। कृपया करके आप उन्हें ना बनाएं जो आपके बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आपको वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बनाना होता है। जैसे कि अब हम जब आगे चल के ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बनाएंगे तो वहां पे वैलेंस शेल में 2s में भी इलेक्ट्रॉन होता है, 2p में भी होता है, तो 2s भी बनाएंगे, 2p भी बनाएंगे। वैलेंस शेल में 1s नहीं होता तो 1s नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो वैलेंस शेल के बनाने हैं। अब इतनी बात क्लियर है। उसके बाद अब देखो, अब ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कॉन्फिगरेशन पे। कॉन्फिगरेशन में देखो क्या है, अगर मैं नॉर्मल इसकी कॉन्फिगरेशन लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी कि अच्छा देखो, सिग्मा में, सिग्मा के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर सिग्मा स्टार के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर मैं लिखूंगी अच्छा सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसकी भी नीड नहीं है ऐसे लिखने की। जब ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे तो इनको मेंशन करना हमारे लिए नेसेसरी नहीं होता। अब ये देखो, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1s से आए हैं टोटल, है ना। तो 1s वाला जो है उसके इलेक्ट्रॉन किस में है, पहली शेल में। आपको याद है हम छोटी क्लास में लिखते थे पहली शेल को K कहते हैं, सेकेंड शेल को L कहते हैं, फिर थर्ड M, फिर N, ऐसे चलता रहता है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये के शेल के निकल के आए हैं, एक इस एटम के के शेल के और एक इस एटम के शेल के। तो हम इनकी जगह लिख देते हैं कि ये के शेल से आया है और ये भी के शेल से आया है, और इसके लिए लिख देते हैं सिग्मा 2s2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी लिथियम मॉलिक्यूल के लिए लिखी जाएगी, के सिग्मा 2s2। ठीक है, ये बनाने की नीड नहीं है, आप सिर्फ 2s ही बनाएंगे, और बॉन्ड ऑर्डर में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ केवल ये लिखेंगे। क्लियर है ये बात। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, तो ऊपर से देखना होता है, ये तो एम्प्टी है, इसको हटा दीजिए। फिर इधर से आए तो यहाँ पर देखिए क्या है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा डायमैग्नेटिक इन नेचर है। फिर उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 आई है, इसका मतलब क्या है कि एक लिथियम एटम दूसरे लिथियम एटम के साथ सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेरिलियम मॉलिक्यूल के बारे में। बेरिलियम मॉलिक्यूल जो है वो कैसे बनता है, वो बनता है Be2, यानी कि दो बेरिलियम एटम के जुड़ने से बनेगा। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4। ठीक है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फिगरेशन कैसे लिखी जाएगी, 1s2, 2s2। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ठीक है, तो इसका हो गया 1s2, 2s2 और इसका हो गया 1s2, 2s2। फिर वही वाली सेम चीज है कि पहली जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, वैलेंस शेल है, उसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि 2s के करेंगे, 2s का बनाना है, 1s का बनाने की नीड ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 2s में, यहाँ पर इसके 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो कैसे भरेंगे, 1, 2, 3, 4। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्डिंग यानी कि बिना स्टार वाले में कितने हैं, 2। एंटी बॉन्डिंग एस्टरिस्क वाले में कितने हैं, 2। डिवाइड बाई 2, 0/2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 0। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब क्या है, ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि दो बेरिलियम एटम्स जो होंगे इनके बीच में आपस में बॉन्ड नहीं बनेगा। एस ब्लॉक चैप्टर जब आप पढ़ेंगे वहां पे आप ये पढ़ेंगे भी कि बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी काफी ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि इनका एस ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होता है, ये नियरली स्टेबल होते हैं, तो जल्दी से बॉन्ड भी नहीं बनाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें मैग्नेटिक बिहेवियर की, तो ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, तो ये कैसा रहेगा, ये रहेगा डायमैग्नेटिक। क्लियर है, डायमैग्नेटिक रहेगा। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसके उसकी कॉन्फ़िगरेशन की, तो कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या लिखी जाएगी, इसके लिए क्या लिखेंगे हम के, इसके लिए क्या लिखेंगे हम के,
इसके लिए क्या लिखेंगे, सिग्मा 2s में दो इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s में दो इलेक्ट्रॉन, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट डाउन करिए प्लीज। ठीक है, तो बेरिलियम तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अब आएगा बोरोन एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1, यानी कि अब आपके जो है पी वाले भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, हम बोरोन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन के आयंस, नाइट्रोजन के आयंस, इनको भी डिस्कस करेंगे, तो वो मैं अलग से पी ऑर्बिटल वाले सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी। आज के इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।